नमस्कार, पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस संदर्भ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। इससे परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य मिलते हैं और संदर्भ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला दूसरा बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी से संबंधित प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सेशन पे जब भी जुड़ें तो आप लोग व्याख्या को बहुत अच्छे से सुनें। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वीडियो की स्पीड को आप इंक्रीज कर लें, बट व्याख्या जब भी हो तो आप उसको स्किप मत करें। आप अच्छे से सुने और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको नजर आए उनको आप नोट कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, गांधी ने सविनय अवज्ञा का विचार कहाँ से लिया? जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं तो सविनय अवज्ञा का विचार गांधी जी ने कहाँ से लिया, ये प्रश्न किया जा रहा है। जॉन रस्किन से, हेनरी डेविड थोरो से, यजुर्वेद से या ईशोपनिषद से? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ में दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका नाम दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि किससे लिया था। तो जो सविनय अवज्ञा का गांधी जी ने विचार लिया है ये लिया है हेनरी डेविड थोरो से। तो हेनरी डेविड थोरो से ही ये प्रभावित हो करके सविनय अवज्ञा का विचार ग्रहण करते हैं। और जहाँ तक जॉन रस्किन की बात है तो जॉन रस्किन से इन्होंने जो सिद्धांत लिया था वो लिया था सर्वोदय का सिद्धांत। तो जो सर्वोदय है, एक्चुअली सर्वोदय के सिद्धांत की प्रेरणा गांधी जी को जॉन रस्किन से मिला था। जॉन रस्किन की जो बुक है अनटू दिस लास्ट, तो अनटू दिस लास्ट बुक को आधार बनाकर ही गांधी जी ने सर्वोदय का विचार ग्रहण किया। तो इसलिए अगर पूछा जाए सर्वोदय का विचार कहाँ से लिया गया तो वो जॉन रस्किन से होगा। हालांकि सर्वोदय शब्द गांधी जी का स्वयं का है, उन्होंने सर्वोदय शब्द दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो से ही गांधी ने सविनय अवज्ञा का विचार लिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी ने अपनी 11 मांगे इरविन के समक्ष किस पत्र के माध्यम से रखी? जब गांधी ने जनवरी में इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी थी तो आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी ने किस पत्र के माध्यम से रखी। हरिजन है, बुलेटिन है, यंग इंडिया है या फिर इंडियन ओपिनियन है, तो किस पत्र के माध्यम से रखी? तो ये रखी थी यंग इंडिया पत्र के माध्यम से अपनी मांगे रखी थी। ये चारों ही पत्र गांधी जी के ही हैं और इनमें से हरिजन ये इंग्लिश भाषा का पत्र है, बुलेटिन ये भी इंग्लिश भाषा का है, यंग इंडिया ये भी इंग्लिश का है, इंडियन ओपिनियन ये जो समाचार पत्र है ये आपका जो प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था तो ये प्रारंभ हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से ये 1903 में ये पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। और इस पत्र में जो पत्र के प्रकाशन से संबंधित जितना एक्सपेंडिचर था वो एक्सपेंडिचर गांधी जी का था। हालांकि गांधी जी प्रथम संपादक नहीं थे इसके। इसके प्रथम संपादक अगर पूछा जाए कभी भी इंडियन ओपिनियन पत्र के तो वो थे मनसुख लाल हीरा लाल नजर, जिनको शॉर्ट में कहते हैं मनसुख लाल नजर। तो मनसुख लाल नजर इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। और ये जो पत्र है इंडियन ओपिनियन, ये पत्र 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। तो ये सबसे पहले चूंकि गुजरात के थे तो गुजराती हो गया आपका, ये तमिल में होता था, हिंदी में होता था और इंग्लिश में होता था। तो ये 4 भाषाओं से ये भाषाओं में ये पत्र प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, 1903 में प्रारंभ हुआ था, और इसके जो प्रथम संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। ये भी संदर्भ आपको इस पत्र के संदर्भ में याद रखने हैं। और जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है तो ये जो मांगे रखी थी इरविन के सामने वो रखी थी यंग इंडिया पत्र के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? अब यहाँ पूछा जा रहा है किस कांग्रेस सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कमेटी को दिया गया। तो कौन सा सत्र है, बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरी सत्र? तो जो लाहौर सत्र है 1929 का, इसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लाहौर सत्र। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, सविनय के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस डेट को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929 है, 26 जनवरी 1930 है, 12 मार्च 1930 है, या फिर 6 अप्रैल 1930 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से ही गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ की थी। कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से कहाँ तक जाना था? दांडी में। दांडी कहाँ है? नौसारी जिले में है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था दांडी किस जिले में है, तो दांडी नौसारी जिले में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी 12 मार्च। जहाँ तक ये सभी डेट्स हैं ये भी महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 1929 जबकि भारत का प्रथम तिरंगा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी लगातार मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल 1930 को जबकि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। ये तो सभी डेट्स महत्वपूर्ण है लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है सी 12 मार्च से ही दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहां से प्रारंभ की थी? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से, या फिर दांडी से। तो ये जो साबरमती आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ की थी, और साबरमती आश्रम से जब गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ की थी तो इस संकल्प के साथ प्रारंभ की थी कि अब मैं आश्रम में तभी वापस आऊंगा, आश्रम मतलब साबरमती आश्रम में तभी वापस आऊंगा जबकि देश को स्वतंत्र करा लूंगा। तो इस संकल्प के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और गांधी जी वापस नहीं जाते हैं साबरमती आश्रम जब तक कि देश आजाद नहीं होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी साबरमती से। आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब गांधी जी ने यह संकल्प लिया था कि अब वे अपने आश्रम तभी वापस आएंगे जबकि देश आजाद हो जाएगा, तो कब लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सर्वाधिक थी? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गांधी जी के साथ जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो उनके साथ जो लोग जुड़ते चले गए, तो किस, जब वो दांडी पहुंचे, तो जब दांडी पहुंचे हैं, जब नमक कानून का उल्लंघन किया है, तो किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक किस प्रांत की थी? कहाँ से गांधी जी बिलोंग करते हैं? गुजरात से। तो जाहिर सी बात है जहाँ रूट्स हैं वहीं से लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे, तो गुजरात से सर्वाधिक थे। और कुल कितने सदस्यों के साथ गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ में यात्रा शुरू की थी और 78 में से जो 8 हैं ये 8 आपके थे संयुक्त प्रांत से, 8 थे संयुक्त प्रांत से। और ये यहाँ पे सर्कल इसलिए किया है कि आसानी से याद बना रहेगा कि 78 हैं और 78 में से जो 8 हैं ये संयुक्त प्रांत से हैं। अगर आप संयुक्त प्रांत यानी कि आप यूपी स्टेट की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च में संयुक्त प्रांत से कितने अनुयायी थे, कितने सत्याग्रही थे, तो वो उनकी संख्या थी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुजरात से सर्वाधिक संख्या थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट से गांधी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या नहीं था? यहाँ पे क्या बताना है, क्या नहीं था, यानी कि आप जो 4 कथन दिए हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि गलत है, बाकी जितने भी हैं वो सही हैं। तो आपको वही असत्य कथन का चयन करना है। पहला है नमक कानून को निरस्त करना, बिल्कुल ये उद्देश्य था। सरकार की सत्ता की कटौती, तो ये भी उद्देश्य था। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, नमक पर जो 1000 से अधिक का टैक्स सरकार लगा रही थी, तो गांधी जी का यही था। ये नहीं कह रहे थे कि आप मुफ्त में नमक बांटो, लेकिन कम से कम इतना रखो कि आम जनता के लिए नमक उपलब्ध हो सके। तो आम जनता के लिए आर्थिक राहत बिल्कुल था। अंग्रेजों को भारत से निकालना, तो अंग्रेजों को भारत से निकालना ये इस आंदोलन का या इस सत्याग्रह का उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ये असत्य पूछा जा रहा है कि क्या नहीं था, तो यही नहीं था। शेष तीनों चीजें गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजनी नायडू हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। सरोजनी नायडू की अगर बात कर लें तो जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं वो संभालते हैं अब्बास तैयब जी।
अब्बास तैयब जी जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो अब्बास तैयब जी का स्थान ग्रहण करती हैं वो सरोजनी नायडू ग्रहण करती हैं, और सरोजनी नायडू के नेतृत्व में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो आपको घटना देखने को मिलती है 31 मई 1930, जबकि धरसाना नमक डिपो पर ये सत्याग्रही धावा बोलते हैं। तो धरसाना नमक डिपो की जो घटना है उस घटना में जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं वो कौन है? सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर भी संबंधित है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही गांधी जी से आग्रह किया था कि आप इस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में महिलाओं से शामिल होने की अपील करिए। प्रश्न ये भी पूछता है कि किसके कहने पर या किसके अनुरोध पर गांधी जी ने महिलाओं से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए प्रस्ताव रखा था या अनुरोध किया था? तो यह वो होगा आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर ये तीनों इस आंदोलन से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी की? तो किस आंदोलन में सर्वाधिक भागीदारी की? असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो जिस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी की वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसा नहीं है कि बाकी तीनों आंदोलनों में महिलाओं ने भाग नहीं लिया, सभी में लिया। स्वदेशी में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन वो जो महिलाओं ने भाग लिया वो कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग से या जो लीडर्स थे उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी। आम जनता ने, आम महिलाओं ने नहीं प्रतिभाग किया था। आम महिलाओं की जो सर्वाधिक भागीदारी थी वो सर्वाधिक भागीदारी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक संख्या में प्रतिभाग किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने कहाँ से किया? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या फिर वर्धा से? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दांडी से। गलती से भी साबरमती से मत करिएगा टिक। साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती से, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं और दांडी तक की यात्रा, दांडी तक की यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां पर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो जहां पर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया है, जिस तिथि को किया है और जिस स्थान पर किया है उसी को माना जाता है, अगर स्थान की बात करें तो वही स्थान माना जाता है प्रारंभ करने का स्थान, और अगर तिथि पूछी जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो तिथि है वो है 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च की तिथि पूछे जाए, दांडी मार्च की डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ, तो दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का एक क्रम था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को, जबकि गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। कहां पर करते हैं? दांडी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दांडी। और ध्यान रखिएगा इसमें गलती से भी आपको साबरमती नहीं टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, और ये जो व्याख्या है इसको आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो आपका इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये रिपीट हो गया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो घटनाएं हैं किसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च के बाद, होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद या फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो निश्चित तौर से दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जबकि दांडी मार्च साबरमती से लेकर के दांडी मार्च, दांडी तक गांधी जी जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ और दांडी में, वो दांडी नमक गाँव में नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, दांडी मार्च के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। अब यहाँ पे दांडी मार्च का संबंध पूछा जा रहा है किस चीज से? निर्वाचन के बहिष्कार से है, नमक कानून को तोड़ने से है, हिंदू मुस्लिम एकता से है या फिर छुआछूत को दूर करने से? तो निश्चित तौर से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने से। नमक कानून
का ही उल्लंघन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे वहां पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, लेकिन इसी क्रम में और भी कई आंदोलन चले, जैसे आपका बिहार है और संयुक्त प्रांत है, यहाँ पर करबंदी आंदोलन चला कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रांत है, इन जगहों पर वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया गया, जहाँ पर जिस तरह से कानून का उल्लंघन हो सकता था वो अपनाया गया। जहाँ समुद्र नहीं वहाँ पर नमक कानून तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर जो अन्य संबंधित कानून जो कि उनके जीवन की जो दशाएं थी उनको प्रभावित करते थे, उन कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन चली, कितने दिन चली थी, 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या फिर 30 दिन। तो दांडी यात्रा चली थी 24 दिन, और 24 दिन में 240 मील की दूरी तय की गई थी। 240 मील की दूरी 24 दिन में तय की गई थी। तो गांधी जी ने, जो गांधी जी के नेतृत्व में जो दांडी यात्रा चली वो 24 दिन चली। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना घटी। यहाँ पे चार घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो देख ले रहे हैं, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931, दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 की घटना है, साइमन कमीशन का आगमन तो ये है आपका 3 फरवरी 1928 की घटना, भारत छोड़ो आंदोलन तो ये हो गया आपका 9 अगस्त 1942। तो यहाँ पर ये सभी घटनाओं की डेट्स लिखी हुई हैं। अब इसमें कौन सी सबसे पहले घटी, तो निश्चित तौर से 3 फरवरी 1928 पहले आएगा, यानी कि साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ। इन चारों घटनाओं में सबसे पहले घटित होने वाली घटना साइमन कमीशन है, लेकिन आपको ये डेट्स मालूम होनी चाहिए ताकि अगर मैच करने को आ जाए तो आप आसानी से मैच कर सकें। तो या इसमें से क्रम अगर पूछा जाए कि क्या क्रम है, तो आप उसको सही से क्रम में लगा सकें। इस प्रश्न का सही जवाब ऐसे ही साइमन कमीशन का आगमन इन सभी घटनाओं में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। गांधी द्वारा दांडी मार्च है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, तो गांधी इरविन समझौता है, तो नमक कानून के उल्लंघन हेतु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, नमक कानून के उल्लंघन हेतु। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और इसी तिथि से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है, और फिर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर सही है। पहला, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, क्या ऐसा था। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। अब आपको इसमें से चयन करना है कि कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर दोनों गलत। तो देखिए, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस डेट को गिरफ्तार किया जाता है, 5 मई 1930 को, और गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है, तो इन्हें रखा जाता है यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है, ये है पूना में, तो पूना की यरवदा जेल में इन्हें रखा जाता है। और याद रखिएगा, यरवदा जेल को गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है, तो गांधी जी ने यरवदा जेल को ही मंदिर की संज्ञा दी है। और यरवदा जेल में वो कब रखे गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो पहला कथन तो गलत हो गया कि सजा नहीं दी गई थी, बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, बिल्कुल जो भी लोग शामिल थे इसमें तो उन लोगों को सजाएं दी गई थी। ऐसा कोई नहीं था किसी के साथ कोई अंग्रेज कोई सहानुभूति थोड़ी ना रख रहे थे, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा था वो उनको सजा दी जा रही थी। तो इस प्रश्न में पहला गलत है, दूसरा सही, केवल दो सही, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, केवल दो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ये एक स्टेटमेंट है गांधी का, ये पूछा जा रहा है कि ये कथन किससे संबंधित है। तो
गांधी का ही ये स्टेटमेंट है कि शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, असहयोग आंदोलन है, दांडी यात्रा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है या भारत छोड़ो आंदोलन से, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी जब दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं उसी समय वो मीडिया को जो एक रिपोर्ट देते हैं, मीडिया से जो मुखातिब होते हैं, तब वो कहते हैं कि मीडिया को दिए हुए बयान में ही कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। तो निश्चित तौर से इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? तो गांधी जी गिरफ्तार कब हुए थे? अभी हमने आपको बताया था कि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं 5 मई 1930 को। तो जब 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके बाद जो नेतृत्व है वो संभालते हैं अब्बास तैयब जी। और जब अब्बास तैयब जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद जो नेतृत्व संभालती हैं वो संभालती हैं सरोजनी नायडू। तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं कि गांधी जी 5 मई 1930 को गिरफ्तार हो जाते हैं और डेट जो है वो सिर्फ गांधी जी की ही पूछी जाती है, तो आपको वो डेट याद रखनी है 5 मई 1930। बाकी उनके बाद तैयब जी, अब्बास तैयब जी नेतृत्व संभालते हैं और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू नेतृत्व संभालते हैं, जिनके नेतृत्व में धरसाना नमक डिपो पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संबंध में असत्य है? क्या पूछा जा रहा है जो असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 कथन सत्य हैं, कोई एक ऐसा है जो कि असत्य है। पहला, ये पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। बिल्कुल थी, पैदल ही यात्रा की गई थी साबरमती से लेकर दांडी तक। दूसरा, साबरमती से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। बिल्कुल सही है, यह यात्रा 24 दिन चली, ये भी कथन सही है। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई, तो इसकी जो शुरुआत है वो 6 अप्रैल 1930 को नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुई थी। तो यही कथन गलत है और यहाँ पर गलत कथन ही पूछा जा रहा है, जो असत्य है उसी को पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को नहीं बल्कि 12 मार्च 1930 को हुई थी, शेष सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यानी कि जो धरसाना का जो नमक डिपो था वहाँ पर जब प्रदर्शनकारी हमला करते हैं, धावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो पूछा जा रहा है उस समय गांधी जी कहाँ थे। तो गांधी जी तो उस समय जेल में थे, और किस जेल में थे, यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ है, पूना में है, और इसी को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मंदिर की संज्ञा किस जेल को दी है, तो मंदिर की संज्ञा जो दी है वो यरवदा जेल को ही दी है गांधी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यरवदा जेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? क्या पूछा जा रहा है, प्रथम बार? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बारदोली आंदोलन है, चंपारण है या सहयोग है? तो सबसे पहली बार विनोबा भावे जो गिरफ्तार हुए थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? किसकी बात हो रही है, विदेशी पत्रकार की। तो कौन सा ऐसा विदेशी पत्रकार था जिसको गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? रिचर्ड ग्रेग है, वेब मिलर है, किरवाई पेज है, लुई फिशर है। कौन है जो ठहरे थे साबरमती आश्रम में? वो है वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था और ये यूनाइटेड प्रेस का संपादक था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रेस से संबंधित था, तो ये यूनाइटेड प्रेस का संपादक था, संवाददाता था, और साथ ही साथ इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की। जो भी हम लोग को जानकारी मिलती है उसका मेन सोर्स वेब मिलर के द्वारा ही जो तथ्य लिखे गए हैं उन्हीं के आधार पर। और इन्होंने भी जिस स्पेसिफिक स्थान का, स्पेसिफिक प्लेस का इन्होंने वर्णन किया है वो है धरसाना नमक डिपो पे, जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। तो वेब मिलर कहते हैं कि मैंने विश्व में बहुत सारे आंदोलन देखे,
लेकिन धरसाना जैसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, लाठी चलाई जा रही है, प्रदर्शनकारी अपने बचाव में अपने हाथ तक नहीं खड़े कर रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में दुर्लभ है। तो ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट कहने वाले कौन है? ये वेब मिलर ही है। तो वेब मिलर का संबंध है आपका किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वेब मिलर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स के बारे में समाचार दिए। तो अभी आपसे चर्चा हो चुकी है किसने धरसाना के नमक डिपो के बारे में, जो वहां पर प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में चर्चा की है। तो ये चर्चा करने वाले हैं वेब मिलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, वेब मिलर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पत्रकार गांधी जी के साथ दांडी मार्च में था? अगेन इस प्रश्न का भी सही जवाब है वेब मिलर। वेब मिलर ही दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। और जहां तक आप लुई फिशर की बात करें, तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, साथ ही साथ ये गांधी के जीवनीकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी की जीवनी किसने लिखी या गांधी के जीवनीकार कौन है, तो आपका जवाब होगा लुई फिशर। लुई फिशर ने ही गांधी की जीवनी लिखी, साथ ही साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके बारे में जो वर्णन है, वो वर्णन करने वाले भी जो पत्रकार हैं वो हैं लुई फिशर। और रसेल की बात करें, तो रसेल जो है ये इन्होंने 1857 की क्रांति का वर्णन किया है। उस समय अगर 1857 की क्रांति का वर्णन करने वाला विदेशी पत्रकार पूछा जाए, तो आपका जवाब हो जाएगा रसेल। नेविनसन, नेविनसन भी संबंधित है एक आंदोलन से, वो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में जिस विदेशी पत्रकार ने चर्चा की है वो है नेविनसन। ये चारों पत्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर मिलते हैं आपको। ये चारों इसीलिए एक ही जगह पर लिख दिए हैं कि आप इनको ध्यान रखें, याद रखें। लुई फिशर गांधी के जीवनीकार थे और जो इनकी पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा। तो लाइफ ऑफ महात्मा इनकी पुस्तक का नाम है। और ये क्या है लाइफ ऑफ महात्मा? लाइफ ऑफ महात्मा है गांधी की जीवनी। वेब मिलर, रसेल, नेविनसन, सभी के बारे में जानकारी दी गई है। ये यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब है वो वेब मिलर है। वेब मिलर ही दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे चार नाम दिए जा रहे हैं। किसने तंजौर तट पे, तंजौर तट तमिलनाडु, किसने नेतृत्व किया? तो ये नेतृत्व प्रदान किया सी राजगोपालाचारी ने। चिदंबरम पिल्लई, चिदंबरम पिल्लई जो है ये स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे दक्षिण भारत में। और चिदंबरम पिल्लई को कहा जाता है दक्षिण भारत का तिलक। तो दक्षिण भारत का तिलक के नाम से ये जाने जाते हैं चिदंबरम पिल्लई। और जहां तक इस प्रश्न का सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने ही तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? यहाँ पर एक संगठन की बात हो रही है कि इसको किसने संगठित किया। अली बंधु है, अंसारी बंधु है, खान अब्दुल गफ्फार खान है या मौलाना आजाद है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार या यहीं कहीं पर ये अगर प्रश्न आ जाए कि परमा जिगा कबायली संगठन ये किस आंदोलन के साथ संबंधित है? तो परमा जिगा कबायली संगठन ही आगे चलकर के खुदाई खिदमतगार में परिवर्तित हो जाता है। और ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ संबंधित है। और इसका जो संगठन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये पेशावर में हुआ था। और पेशावर आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे है, तो सीमा के अंत में इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया था। इसीलिए सीमा के अंत पर गांधी की आइडियोलॉजी को प्रचारित प्रसारित करने के कारण ही इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी का टाइटल भी खान अब्दुल गफ्फार खान का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमा जिगा कबायली संगठन अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है और यही आगे चल करके खुदाई खिदमतगार के नाम में परिवर्तित हो गया। और कहाँ ये संगठन स्थापित हुआ था? पेशावर में। और खान अब्दुल गफ्फार खान को और क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। साथ ही साथ इस संगठन के जो लोग थे वो रेड शर्ट्स पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। कि लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ पर संचालित हुआ? तो ये पेशावर में। किस आंदोलन के तहत?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। तो यहाँ पर इतने संदर्भ इस प्रश्न से संबंधित हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो किस आंदोलन की बात हो रही है? तो ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गढ़वाल रेजिमेंट के एक सैनिक था चंद्र सिंह गढ़वाली। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में एक टुकड़ी ने अपने जो निहत्थे लोग थे, जो इसके खुदाई खिदमतगार या परमा जिगा कबायली संगठन से संबंधित लोग पेशावर में, जिन्होंने ये आंदोलन कर रहे थे जो नमक कानून के विरोध में, तो उन्हीं के अगेंस्ट जब उनको आदेश दिया गया कि गोली चलानी है तो गोली चलाने से मना कर दिया गया। तो ये गढ़वाल रेजिमेंट, आपसे भी पूछा जा रहा है किस रेजिमेंट के सैनिकों ने मना कर दिया, गढ़वाल रेजिमेंट ने। किस आंदोलन, तो वो पूछा ही जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। साथ ही साथ अगर आपसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो चंद्र सिंह गढ़वाली, आपको वो भी ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो जो पेशावर कांड अभी चर्चा हो रही थी कि पेशावर में जो सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों का ही एक सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली, उसके नेतृत्व में जो टुकड़ी होती है वो अपनी सेना पर, जो ये आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, इन पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। इसी को इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना गया। और इसके साथ कौन संबंधित है? चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर अनेक आंदोलन शुरू हुए। तो उन्हीं के क्रम में उनको जो लोकल, जो क्षेत्रीय भाषा में कुछ अलग नाम दिए गए। तो ये एक क्षेत्रीय भाषा का नाम है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। तो यदुनाथ नागा यहाँ पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं और यदुनाथ नागा के बाद उनकी बहन गैंडेल्यू ये इसको नेतृत्व प्रदान करती हैं। तो ये दोनों लोग इससे जुड़े हुए हैं मणिपुर से। अगर आपसे पूछा जाए जिया तरंग किस से संबंधित है और उसमें नाम पूछे जाएं तो यदुनाथ नागा और रानी गैंडेल्यू, और कहाँ से संबंधित है? मणिपुर में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, चार यहाँ पे कथन दिए, किस पे महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया, हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजों के समझौते पर, या फिर कोई नहीं। तो निश्चित तौर से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो जाता है तो उसके बाद गांधी जी 1934 में कांग्रेस छोड़ देते हैं, और कांग्रेस छोड़कर वो क्या कार्य प्रारंभ करते हैं? वो रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है गांधी ने कांग्रेस कब छोड़ी? तो 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है? अब यहाँ पे चार नाम दिए हैं, किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना प्रभु श्री राम की लंका यात्रा से की है? तो ऐसा करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने भी इनके बारे में इनकी यात्रा की तुलना की है और तुलना करते हुए कहा है कि गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस से अलवा की यात्रा के समान है। तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि प्रभु श्री राम की लंका यात्रा की भांति आपकी ये दांडी यात्रा भी चिरस्मरणीय रहेगी। आपसे कभी ये कथन भी पूछा जा सकता है किसने कहा था, तो ये कथन कहने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। किसने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस से अलवा यात्रा से की है? तो अभी इस पर चर्चा हो चुकी है, सुभाष चंद्र बोस ने ही ये तुलना की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा में संयुक्त प्रांत से कुल कितने लोग थे? तो क्या पूछा जा रहा है संयुक्त प्रांत से? तो संयुक्त प्रांत से जो संख्या थी वो थी 8। तो जो प्रारंभ में कुल 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो ये जो 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की थी उनमें से संयुक्त प्रांत से आपके कितने सदस्य थे? तो संयुक्त प्रांत से थे 8 सदस्य, और इसी के नंबर के साथ आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8 सदस्य थे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने लिखा था कि गांधी तब तक समुद्र के जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेटस ना मिल जाए? तो यहाँ पर चार समाचार पत्र दिए हैं, किसने इस तरह का कथन कहा है, स्टेट्समैन है, पायनियर है, इंग्लिशमैन है या फिर बंगाली है? तो स्टेट्समैन ने ही एक व्यंग्यात्मक रूप में ये एक व्यंग किया था गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी तब तक समुद्र के जल को उबाल सकते हैं जब तक उन्हें डोमिनियन स्टेटस ना मिल जाए। उन्हें नहीं पता था तब तक कि गांधी जी जो ये प्रारंभ किए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून का उल्लंघन करने का जो आंदोलन प्रारंभ किया कितना विस्तृत हो जाएगा, इस चीज़ की ना तो समाचार पत्र के जो संपादक थे उनको जानकारी थी और ना ही खुद इरविन को उस समय इस तरह की जानकारी थी कि इतना बड़ा आंदोलन ये होने वाला है। तो ये कहने वाला स्टेट्समैन है। और यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। प्रयास यही किया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन पर आपसे चर्चा की गई है। आप लोग वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे तो पूरा इस आंदोलन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नए संदर्भ पर। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।